हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा सर, इतना बड़ा अन्याय हो रहा कि हम बता नहीं सकते हैं। दूसरा महीना 11 तारीख को मेरा जीजा का एक्सीडेंट हुआ था, जिस समय नीतीश जी हमारे जमुई पहुंचे थे। एक्सीडेंट 10 बजे का लगभग हुआ था, उनका बड़ा ट्रक से एक्सीडेंट हुआ। आज 2 महीना हो गया है, 12 लाख 13 लाख रुपया हम दे चुके हैं, लिगा के दुर्गापुर में उनका इलाज करवा रहे थे, वहां से हम यहाँ लेके आए। कि अब यहाँ आने के बाद जब हम सोच रहे कि कोई सरकारी बड़ा हॉस्पिटल जैसे पटना एम्स या जहाँ हो गया, यहाँ जब पता करे तो बोल रहा जब तक इसमें राजनीतिक नहीं लगेगा तब तक तुम्हारा जीजा का एडमिशन नहीं होगा। मेरा जीजा को हॉस्पिटल लेने के लिए इसमें राजनीतिक मेरे कोई परिवार को पार नहीं होने दिया। मेरा हर एक परिवार नीतीश कुमार जा रहे थे, उसके 5 घंटा का रास्ता में मेरा जीजा 12 घंटा में हॉस्पिटल पहुंचे। आज जिंदगी और मौत के बीच में वो झूल रहे हैं। नहीं होता है, बिना पैरवी का पटना में घुसने भी नहीं देता है। बिना पैरवी के इलाज नहीं होता, आपको बिना पैरवी का इलाज होता है, इनसे नहीं होता है। इनका 3 बच्चा 2 लड़का 1 लड़की है, इतना छोटा छोटा बच्चा है कि इसके बावजूद हम लोग अभी देखिए ठोकर खाते हुए दुर्गापुर से, मतलब जहाँ भी जिसका भी पैर पकड़ना है पकड़ रहे, कि जैसे भी करके। शासन के तो सरकार है नहीं भैया, अब किसी का सरकार है जो हमारे माननीय विधायक जनरल सिंह जी खुल के मीडिया में बोल चुके हैं। सरकारी में जितने भी डॉक्टर वगैरह है सब पैसा लेने के लिए बैठा, इलाज नहीं करता, खाली सो दिखा देता है, दवा आता है दवा बेच लेता है। हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा सर, इतना बड़ा अन्याय हो रहा कि हम बता नहीं सकते हैं। दूसरा महीना 11 तारीख को मेरा जीजा का एक्सीडेंट हुआ था, जिस समय नीतीश जी हमारे जमुई पहुंचे थे। एक्सीडेंट 10 बजे का लगभग हुआ था, उनका बड़ा ट्रक से एक्सीडेंट हुआ। आज 2 महीना हो गया है, 12 लाख 13 लाख रुपया हम दे चुके हैं, लिगा के दुर्गापुर में उनका इलाज करवा रहे थे IQCT मेडिकल कॉलेज में, जहाँ की उनके इलाज के दौरान मतलब उतना हमारे पास जो जगह जमीन था बेच के उनका इलाज कराएं, जो कि अभी भी उनकी अवस्था ऐसा है कि कोई मेथ हॉस्पिटल बोल के जो वहाँ का खर्चा हम नहीं पूरा पाए, वहाँ से हम यहाँ लेके आए। कि अब यहाँ आने के बाद जब हम सोच रहे कि कोई सरकारी बड़ा हॉस्पिटल जैसे पटना एम्स या जहाँ हो गया, यहाँ जब पता करे तो बोल रहा जब तक इसमें राजनीतिक नहीं लगेगा तब तक तुम्हारा जीजा का एडमिशन नहीं होगा। तो ये जनता से इलाज के लिए राजनीतिक चाहिए, इलाज के लिए राजनीतिक चाहिए, हम बोल रहे इलाज के लिए राजनीतिक चाहिए। मेरा जीजा को हॉस्पिटल लेने के लिए इसमें राजनीतिक मेरे कोई परिवार को पार नहीं होने दिया। मेरा हर एक परिवार नीतीश कुमार जा रहे थे, उसके 5 घंटा का रास्ता में मेरा जीजा 12 घंटा में हॉस्पिटल पहुंचे। आज जिंदगी और मौत के बीच में वो झूल रहे हैं। डॉक्टर भी जवाब दे चुका है, उनका 3 छोटा छोटा बच्चा है, उनका जगह जमीन सब हम बेच दिए हैं, इसके बावजूद चारे और जो हो जहां से उनका इलाज कराएं, लेकिन कोई ना तो आगे आ रहा ना, और जहां भी पता कर रहे हैं ना, इसमें जब तक नहीं आएगा पैरवी की जरूरत। हाँ, जब तक पैरवी आप पैरवी की इलाज नहीं, बिना पैरवी का पैरवी के नहीं होता। अभी हम आपको दिखाते हैं 12 लाख रुपए का इलाज होता है, नहीं होता है। बिना पैरवी का पटना में घुसने भी नहीं देता है, बिना पैरवी के इलाज नहीं होता। आपको बिना पैरवी का इलाज होता है, इनसे नहीं होता है, उनके जीजा का इलाज होता है। ये अभी मेरा अपना जीजा का हम फोटो दिखा रहे हैं, जो कि जिंदगी और मौत के बीच में है अभी भी। नहीं नहीं, हम आप नहीं देखिए, ये पूरा इथी को दिखाइए, जैसे आप न्यूज से है ना, पूरा जनता को दिखाइए। ये देखिए मेरा जीजा है, बड़ा गाड़ी से इनका एक्सीडेंट हुआ, केस किए हुए हमको कितना दिन हो गया, जिंदगी और मौत के बीच, मेरे उम्र का भी है। ये देखिए मनोज गोप इनका नाम है, हम रहने वाले पंजिया ग्राम से है। ये उजवाड़ी का मेरा एक लौता जीजा है, जिनका मम्मी पापा का सिर्फ एक लौता लड़का था। इनका 3 बच्चा 2 लड़का 1 लड़की है, इतना छोटा छोटा बच्चा है कि इसके बावजूद हम लोग अभी देखिए ठोकर खाते हुए दुर्गापुर से, मतलब जहां भी जिसका भी पैर पकड़ना है पकड़ रहे, कि जैसे भी करके। ये सुशासन की सरकार है, और सरकार के लोग कहते हैं कि सरकारी अस्पताल में आम लोगों की इलाज ऐसे ही होती है, कहां कहां पैरवी की तो कहां होती है। करवाए ना मेरा जीजा का इलाज कोई, पटना एम्स में भर्ती करवाए तो जाने, नहीं हो रहा। अरे पटना एम्स कोलकाता है, बहुत बड़ा बड़ा दूर तक सुशासन के तो सरकार है नहीं भैया, अब किसी का सरकार है जो हमारे माननीय विधायक जनरल सिंह जी खुल के मीडिया में बोल चुके हैं। क्या हुआ बोल रहे हैं, मर्द इतना मर्द के बीच में आप कहे नहीं। ये जेंट्स और फीमेल मत कीजिए आप, लेकिन साइड रहिए, जब आपके पास माइक लेकर आएंगे तब ले। क्या कह रहे हैं भैया, सरकारी में जितने भी डॉक्टर वगैरह है सब पैसा लेने के लिए बैठा, इलाज नहीं करता, खाली सो दिखा देता है, दवा आता है दवा बेच लेता है। हमारा भी लखीसराय जिला है, सब अपना क्लिनिक, अपना क्लिनिक चला, सरकारी डॉक्टर अपना क्लिनिक चलाता है, सबका प्राइवेट है। कितना क्लिनिक देखना चाहते हैं, सरकारी डॉक्टर का अपना, सरकारी डॉक्टर का अपना क्लिनिक, और क्या और क्या। क्लिनिक पे टाइम से आते हैं, लेकिन डॉक्टर सरकारी हॉस्पिटल के खर्चे नहीं जाते हैं, अपने क्लिनिक पे टाइम से आते हैं। और मम्मी का हाथ फ्रैक्चर हुआ सर, हम जाकर सरकारी एक्सरे करवाए, वो बताया क्या यहाँ कुछ वगैरह नहीं है, फलना जगह वहाँ प्लास्टर वगैरह होगा, वहाँ गए तो 2-3 हजार रुपया लिया, हल्का सा खाली फ्रैक्चर हुआ था।
अभी हाल की बात बता रहे, दो तीन दिन पहले की बात। सरकार के लोग आप पे केस भी कर सकते कि आप झूठ बोल रहे हैं? नहीं, झूठ नहीं वाले, हम सर प्राइवेट क्लिनिक बताएंगे उस डॉक्टर को। आप बोल रहे कि उन पे केस करता है, हमारे पास तो सारा सबूत है। हम तो बता रहे कि अब हमारे पास क्षमता नहीं है कि अपना जिया को प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा सके, लेकिन अभी भी वो जिंदा है, कैसे हम उन्हें छोड़ सकते हैं? बिहार में सरकारी अस्पताल में इलाज करवाने के लिए पैरवी की जरूरत है। एकदम जरूरी है, पैरवी की जरूरत है, पैरवी की जरूरत है सरकारी हॉस्पिटल। क्या कहते हैं? जरूरत है, पैरवी की जरूरत होती है इलाज के लिए। जरूर जरूर, ये हॉस्पिटल सरकारी अब रहा नहीं है। क्या करे, क्या है पीएमसीएच का हालत? जाके देखिए ना कितना बुरा हालत है पीएमसीएच का। वहाँ किसी को मरीज को बेड नहीं मिलता जब तक पैरवी नहीं होगा, किसी भी आम मरीज को वहाँ वेट नहीं मिलता। पीएमसीएच में तो पत्रकारों को भी नहीं दिया जाने दिया जाता है। हाँ, क्या इलाज हो करता नहीं है सर, खाली झूठ मूठ के एक्सरे कर करके भेज देता है। इलाज के लिए पैरवी चाहिए? नहीं सर, नहीं चाहिए। बिना पैरवी के होता है इलाज? सरकारी में इलाज होता है, सरकारी रहना बिना मतलब पैरवी का वहाँ पर कुछ भी बेड नहीं दिया जाता, नहीं कोई सुविधा दिया जाता है। सुनिए ना सर, आप बोल रहे पैरवी नहीं, अगर आज हम लोग बंगाल के रहने हैं तो बिहार के रहने वाले, एक बचपन से बंगाल में रहे, अगर आज भी हमारा, अगर हम यहाँ रहते, अगर पैरवी हमारा रहता ना, आज दो महीना से ट्रक पकड़ाया हुआ है, जिस ट्रक ने मेरा जीजा का एक्सीडेंट किया है, आज तक उस पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किया गया, केस हम किए। तो पकड़ के कौन रखा है? कौन थाने में है? कार्रवाई हुई है? कार्रवाई मतलब हुआ है, वो जो हमको बोला था वो आप ऊपर के अधिकारी के पास क्यों नहीं जाए? कहाँ जाए, हमको कुछ पता ही नहीं है। एसपी के पास जाइए, एसपी के पास जाइए। वही बोल रहे, यहाँ के बारे में पता ही नहीं है। अभी हम अपना जीजा को देखे या सर डीएसपी के पास दौड़े या किसी नेता का पैर पकड़े, वो बताए, मेरा जीजा का ना तो कोई आगे पीछे दौड़ने वाला है, जो है हम ही है। अब क्या करे सो बताइए, अभी हम उस गाड़ी वाले को देखे, डीएसपी का पैर पकड़े या जाके। अच्छा, इनका आरोप है कि बिना पैरवी के इलाज नहीं होता, आप लोग कितने सहमत है? सही बात है, पीएमसी जाता नहीं। सही बात है, सही अकल, सही बात है, सही अकल, सही अकल, सही बात है। पैरवी का डिलीवरी तक नहीं होता, नहीं कोई जो भी, अगर मान लिया जाए हमारा मकान पड़ता है बिहार में, जो है ने बिना पैरवी के बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है। क्या नहीं होता है? नहीं होता बिना पैरवी को। क्या कह रहे हैं? सही बात है। क्या कह रहे हैं? जैसे आप बोल रहे बिना पैरवी का सर कोई इलाज नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। सर अगर बिना पैरवी, क्या कह रहे हैं, मरीज जब डेथ कर जाता है तो उसको बॉडी ले जाने के लिए उसमें भी खर्चा होता है। अच्छा, और क्या विश्वास कीजिएगा, एक सरकारी हॉस्पिटल का एम्बुलेंस जो है ना, अगर एक प्राइवेट एम्बुलेंस जितना चार्ज नहीं करता ना, उतना सरकारी हॉस्पिटल का एम्बुलेंस चार्ज करता है। सरकारी एम्बुलेंस प्राइवेट प्राइवेट से ज्यादा चार्ज करता है, क्योंकि उस वक्त हमारे पास कोई वो नहीं रहता है। हमारा आदमी जब वो दर्द से पीड़ा कर रहा हो तो उस समय हमें ये नहीं लगता है कि पैसा देखे या फिर क्या आदमी अपना देखे, इसलिए मुसीबत में हम बोलते हैं यहाँ सरकारी साधन का कोई है थी। अभी हम आते हुए वहां से जब से आ रहे हैं, जहाँ भी पता कर रहे हैं, कोई नेता को पकड़ो, कोई विधायक को पकड़ो, किसी को यही सलाह दे रहा है। सब यही सलाह दे रहा है। चलिए देख सकते हैं तमाम मुद्दों पे बिहार वासियों ने अपना क्या कुछ राय रखा। बहुत धन्यवाद।